नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुदेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी कराने की जांच के मामले पर विपक्ष अब एकजुट हो गया है। राहुल गांधी सीधे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। 28 जुलाई को सत्र की कार्रवाई से पहले विपक्षी दलों ने एक बैठक की। इस बैठक में विपक्ष के 14 दल शामिल थे। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस द्वारा जासूसी कराए जाने के मामले पर अब सरकार को जवाब देना ही होगा और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर 10 दलों की ओर से सरकार को एक नोटिस दिया जाएगा, इसमें राहुल गांधी के हस्ताक्षर भी होंगे। अभी तक विपक्ष अलग अलग मुद्दों में बटा हुआ था, लेकिन अब पेगासस के मामले में विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर अपने तेवर सख्त किए हुए हैं, क्योंकि सरकार पर आरोप है कि उन्होंने राहुल गांधी की भी जासूसी कराई थी। राहुल गांधी चाहते हैं कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर जवाब दे और साथ ही ये भी बताए कि क्या वाकई पेगासस स्पाईवेयर के जरिए लोगों की जासूसी कराई गई थी या नहीं। पेगासस मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक आयोग का गठन किया है। इस आयोग का नेतृत्व हाईकोर्ट के न्यायाधीश मदन भीम राव और पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य करेंगे। इधर 27 जुलाई को जाने माने जर्नलिस्ट एन राम और शशि कुमार की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि कथित सरकारी एजेंसी की ओर से तमाम पत्रकारों, राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी का मामला सामने आया है और इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। आने वाले दिनों में इस याचिका पर सुनवाई होगी। 22 जुलाई को जासूसी कांड की जांच के लिए एसआईटी की गठन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा ने कहा कि जासूसी कांड भारतीय लोकतंत्र पर हमला है, साथ ही ये लोगों की सुरक्षा और जुडिशरी की स्वतंत्रता का मुद्दा भी इसमें शामिल है। केंद्र सरकार ने इस बात का जवाब अब तक नहीं दिया कि क्या उसने इजरायली कंपनी एनएसओ से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा या नहीं। इसके उलट सरकार ने संसद के जरिए देश को ये बताने की कोशिश की है कि लॉफुल इंटरसेप्शन यानी कानूनी तरीके से फोन या इंटरनेट की निगरानी या टैपिंग की देश में एक स्थापित व्यवस्था है जो कई वर्षों से चली आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 23 जुलाई को संसद में कहा, भारत एक स्थापित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से या किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना होने पर या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य की एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक संचार को इंटरसेप्ट करती है। वैष्णव के अनुसार भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 के प्रावधानों के तहत प्रासंगिक नियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक संचार के वैध इंटरसेप्शन के लिए अनुरोध किए जाते हैं, जिसकी अनुमति सक्षम अधिकारी देते हैं। उन्होंने कहा कि आईटी नियम 2009 के अनुसार ये शक्तियां राज्य सरकारों के सक्षम पदाधिकारियों को ही उपलब्ध हैं। वैष्णव ने ये भी कहा कि केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा समिति के रूप में एक स्थापित निरीक्षण तंत्र है और राज्य सरकारों के मामले में ऐसे मामलों की समीक्षा संबंधित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कानून में किसी भी घटना के प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने की भी व्यवस्था है। अब आपको बताते हैं कि भारत में कानून के मुताबिक फोन टैपिंग कैसे और क्यों की जा सकती है। जिस एजेंसी को फोन टैप करना है उसे इसके लिए एक स्पष्ट कारण बताना होता है और जिसका फोन टैप करना होता है उसके राज्य के गृह सचिव से परमिशन लेनी होती है। केंद्र और राज्य सरकारों को भारतीय टेलीग्राफिक अधिनियम 1885 की धारा 5(2) के तहत टेलीफोन को टैप करने का अधिकार प्राप्त है। फोन टैपिंग की परमिशन 60 दिनों के लिए दी जाती है और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इसे 180 दिनों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान में हमें कई तरह के फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, लेकिन राइट टू प्रिवेसी को लेकर लंबे समय से कोई भी क्लैरिटी नहीं बन पा रही है। संविधान के अनुच्छेद 19, 20 और 21 के अधिकारों के इसे अंतर्निहित माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट करार देते हुए कहा था कि इसे आर्टिकल 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। जीने के अधिकार में ही निजता की स्वतंत्रता भी आती है। इस स्वतंत्रता में बेवजह के हस्तक्षेप को गलत बताया गया है, इसीलिए कोई भी आपकी निजी बातचीत को सुन या फिर टैप नहीं कर सकता। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को विशेष परिस्थितियों में निजता के अधिकार को सीमित करने का अधिकार मिला हुआ है। भारतीय राजनीति में जासूसी कोई नई बात नहीं है। इतिहास देखा जाए तो राजनेता कई बार जासूसी का सहारा ले चुके हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि जासूसी के तरीके बदल गए हैं। नई नई तकनीक की वजह से ये तरीके लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन इस बार इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी का मामला आने वाले वक्त में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।